उर्दू सीखने वालों के लिए कभी पढ़ना आसान लगता है तो कभी लिखना मुश्किल, कभी लिखना आसान लगता है तो कभी पढ़ना मुश्किल। मत पूछो अच्छी लिखावट के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। सच कहूँ तो 30% बाकी है मेरा और वीडियो देखना, क्योंकि मंजिल तक तो पहुँच ही गए हैं, अब इंतज़ार और नहीं करना। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है ना, ये उर्दू फॉर बिगिनर्स यानी कि UFB का पार्ट 28 है, जिसमें हम लोग दो अक्षर से मिलकर बने अमात्रा वाले उर्दू के शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए, आप लोग पार्ट 1 से स्टार्ट किए थे, हम लोग पहले पायदान पर पहला कदम रखे थे। पार्ट 1 आप लोगों के लिए मुश्किल लगा होगा, लेकिन जब आप लोग उसका नेक्स्ट पार्ट पार्ट 2 देखे होंगे तो उससे थोड़ा सा आसान लगा होगा, फिर पार्ट 3 देखे होंगे तो उससे आसान, और इस तरफ 50% तक आप लोग जैसे ही पहुँचे होंगे आप लोग को सभी चीज़ें ही आसान लगने लगी होगी। और जब इंसान मंजिल के करीब होता है ना, मतलब मंजिल से उसकी दूरी बहुत कम होती है, थोड़ा सा का फासला होता है, तो सोचता है इंसान कि अब तो मंजिल तक पहुंच ही जाने वाले हैं, और पहुंच ही जाते हैं। इसी तरह आप लोग भी 70% सीख चुके हैं, 70% उर्दू को लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं, और 30% बाकी है, 30% बाकी है। अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ और तो अभी सीखने वाले हैं। और मात्रा तक के उर्दू के शब्दों को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये हर एक चीज़ में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। 70% आप लोग सीख चुके हैं, बस 30% बाकी है, थोड़ा सा का फासला है, और यहाँ से आप लोगों को मुड़ कर वापस नहीं जाना है, अब आप लोगों को अपने मंजिल तक पहुँच ही जाना है। अब ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आप लोग उर्दू कंप्लीट लिखना और पढ़ना सीख जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि दो अक्षर से मिलकर बने अमात्रा वाले शब्दों को हम लोग सीखने वाले हैं लिखना और पढ़ना, तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि किसी भी अक्षर को कैसे अ की मात्रा में बदला जाता है। देखिए, अभी तक आप लोग लगभग चीज़ों को सीख चुके हैं, 70% उर्दू सीख चुके हैं, तो इतना तो आप लोगों को पता होगा कि हमें मात्रा में बदलना आना चाहिए। उसके बाद से दो अक्षर वाला हो, तीन अक्षर वाला हो, चार अक्षर वाला हो, कोई भी शब्द हो, आसानी से हम लोग उर्दू में लिख पाएंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं ली हूँ, क्योंकि आप लोग लगभग चीज़ों को सीख चुके हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल बस एक दो एग्जाम्पल लेकर समझा दूँगी, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब बिगनर से आप लोग हाई लेवल पर आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी अक्षर को औ की मात्रा में कैसे बदलें। आप लोग जानते हैं कि अलिफ से अ होता है, अलिफ के ऊपर दबड़ लगा दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, अ, ये अ पढ़ा जाएगा। लेकिन अब आप लोग क्या कीजिए, अलिफ के ऊपर जबर रहने दीजिए, ये बस इसी अलिफ के ऊपर जो जबर लगा है ना, इसमें वाव जोड़ दीजिए, यानी कि अलिफ के ऊपर जबर लगाकर इसमें वाव चिपका देना है, वाव जोड़ देना है। तो अलिफ के ऊपर वा, अलिफ के ऊपर जबर और वाव जुड़कर यही हो जाता है ओ, ये क्या पढ़ा जाएगा, ओ। बस ज़्यादा मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग जितना उर्दू को टफ समझते हैं ना, उतना ज़्यादा टफ है नहीं, बस आप लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये नहीं कि पहले से ही, बहुत सारे लोगों को मैं देखी हूँ किसी काम को करने से पहले ही बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अरे भाई, एक नज़र दौड़ाओ तो सही, कि तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना मुश्किल और कितना आसान। उसी तरह देखिए, आप लोगों को लग रहा था कि ओ मात्रा वाला बहुत ज़्यादा टफ होगा, ज़्यादा टफ है नहीं, बस अलिफ के ऊपर जबर लगा दो और वाव जोड़ दो, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, ओ पढ़ा जाएगा। और इसी तरह किसी भी उर्दू के अक्षर को, अलिफ से लेकर बड़ी ए तक जितना भी उर्दू का अक्षर है, किसी भी उर्दू के अक्षर को अगर ओ की मात्रा में बदलना है तो आप लोग क्या करेंगे, उस अक्षर के ऊपर भी इसी तरह जबर लगा देंगे और उसमें वाव जोड़ देंगे, तो वो अक्षर ओ की मात्रा में बदल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, सौ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सौ लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सोचिए कि सौ को उर्दू में क्या कहते हैं, सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, तो लिख दिए, ये हो गया सीन से सौ, सीन से तो सौ हो गया, हमको क्या लिखना है, सौ, यानी कि ओ की मात्रा में इसको बदलना है। तो क्या करेंगे, इस सीन के ऊपर जबर लगाएंगे, मैं क्या बोली, जबर लगा दो ऊपर और इसमें वाव जोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़िए, जुड़ा नहीं है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए मैं क्या बताई हूँ, आधा भाग लेना है, सिन का आधा भाग ले लीजिए, ऐसे सिन का आधा भाग ले लिए, और इसके ऊपर क्या है, ज़बर है, लेकिन ज़बर हम लोग लिखेंगे नहीं, यहाँ पर मन में मानेंगे, ये भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बस इसी सिन के आधे भाग में ये जो वाव है ले जाकर जोड़ दीजिए, तो सिन के ऊपर ज़बर और इसमें वाव जुड़कर ये हो गया सौ, इस तरह लिखा जाएगा उर्दू में सौ, कितना आसान है। बस मैं आप लोग को क्या बताई, किसी भी उर्दू के अक्षर को अगर औ की मात्रा में बदलना है तो बस उसके ऊपर जबर लगाकर उसमें वाव जोड़ दीजिए, वो अक्षर औ की मात्रा में बदल जाता है। अलिफ के ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिए तो ये औ हो गया, सिन से सौ हो जा रहा था, सिन के ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिए तो ये सौ पढ़ा जाने लगा, सौ लिख दिए, कितना आसानी से।
बस अब इसी ट्रिक, इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है और इतने सारे दो अक्षर से मिलकर बने अ मात्रा वाले शब्दों को आप आसानी से उर्दू में लिख पाएंगे और कहीं पर भी अ मात्रा वाला शब्द उर्दू का लिखा हुआ है आसानी से आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ और अब इन सभी शब्दों को लिख कर मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, सबसे पहला शब्द ही है और को अगर उर्दू में लिखना है तो और उर्दू में कैसे लिखेंगे, उर्दू में और कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला अक्षर देखिए अ है ना, सोचिए अ को उर्दू में क्या कहते हैं। मैं आप लोगों को अभी बताई कि अलिफ के ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ दो तो ये अ पढ़ा जाएगा। बस यही काम यहाँ पर भी करना है, अलिफ के ऊपर ज़बर लगा दो और इसमें वाव जोड़ दो तो ये हो जाएगा अ। और उसके बाद से क्या है, लास्ट वाला अक्षर र है। र को उर्दू में क्या कहते हैं, र को उर्दू में रे कहते हैं। लिख दीजिए, अब इन सबको जोड़ दीजिए और आप लोग आसानी से लिख पाएंगे उर्दू में। अब जोड़िए, जोड़ने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताई हूँ। अब तो आप लोग बिगनर नहीं हैं, सभी चीज़ों को जानते हैं, जोड़ना आप लोगों को पता है। अलिफ है, अलिफ लिख दीजिए जिस तरह लिखा है उसी तरह। अलिफ के ऊपर ज़बर नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है। तो अलिफ के ऊपर ज़बर है मन में मानेंगे, अलिफ के ऊपर ज़बर हो गया। अब बस ये वाव जो अलिफ में जोड़े थे ले जाकर इसी में चिपका दीजिए। तो अलिफ के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर ये हो गया औ, औ हो गया। और ये जो रे से र हो रहा था बस इसको भी ले जाकर यहाँ पर चिपका दीजिए तो रे से र हो गया। तो औ और र और कितना आसानी से आप लोग उर्दू में और लिख लिए, कितना आसान है। नेक्स्ट अगला शब्द देखिए दौर। दौर में सबसे पहला अक्षर द है, सोचिए द को उर्दू में क्या कहते हैं। द को उर्दू में दाल कहते हैं, लिख दीजिए। और दाल से तो द हो गया लेकिन औ द बनाना है, औ की मात्रा में बदलना है तो क्या करेंगे, मैं आप लोग को अभी क्या बताई, बस उस अक्षर के ऊपर ज़बर लगा दो और उसमें वाव जोड़ दो तो वो अक्षर औ की मात्रा में बदल जाएगा। तो दाल के ऊपर ज़बर लगा दी और वाव जोड़ दिए तो ये हो जाएगा द। और उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर क्या है, र। र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सब को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़िए इन तीनों को। दाल जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए और दाल के ऊपर क्या है, ज़बर है हम लोग मन में मानेंगे। और ये जो वाव है ले जाकर दाल में चिपका दीजिए तो दाल के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर ये हो गया दौ। और ये जो रे है बस ले जाकर यहीं पर चिपका देना है तो ये हो गया दौर और दौर। कितना आसानी से, बस इसी तरह इन सभी शब्दों को भी आप लोग अ मात्रा में आसानी से बदल सकते हैं, बस अ की मात्रा में बदलना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप लोग मेरे बताने से पहले, मेरे लिखने से पहले आप लोग माइंड में ही सोच लीजिए। ज़रूर नहीं कि कलम और कॉपी में ही लिखेंगे तो प्रैक्टिस करना कहलाएगा। आप लोग माइंड में सोच लीजिए कि हाँ कौन इस तरह लिखा जाना चाहिए। और जब मैं आप लोग को लिख कर बता रही हूँ तो मिला लीजिए कि आप लोग सही सोचे थे कि नहीं। ठीक है, कौन, कौन में सबसे पहला अक्षर कौ। कौ को उर्दू में कहते हैं काफ, काफ से तो क हो गया लेकिन कौ बनाना है, औ की मात्रा में बदलना है तो काफ के ऊपर दबड़ लगा कर वाव जोड़ दीजिए, कौ हो जाएगा। और ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। जोड़िए इन तीनों को, काफ का आधा भाग आप लोगों को उठाना है ऐसे जोड़ने के लिए, काफ का आधा भाग उठा लिए। ठीक है, काफ के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस ये जो वाव है ले जाकर इसी काफ में जोड़ दीजिए। तो काफ के ऊपर ज़बर, ये जो ज़बर था लिखे नहीं हम लोग, तो काफ के ऊपर ज़बर और वाव जुड़ कर ये हो गया कौ। और ये जो नून है बस ले जाकर चिपका देना है तो ये हो गया न। तो कौ और न, थोड़ा सा और नीचे नून को मैं लिख दूँ, थोड़ा ऊपर हो गया है, हाँ ये हो गया कौन। ठीक है, नून से ना, तो क और ना कौन, कौन भी लिख लिए और दौर कौन। उसके बाद से है गौर। गौर कैसे लिखेंगे, ये जो ग है देखिए नीचे बिंदु वाला ग है, तो इस ग को उर्दू में क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को बताई हूँ, गैन कहते हैं। तो लिखिए ये हो गया गैन से ग, ठीक है, नीचे बिंदु वाला ग, लेकिन यहाँ पर ग है औ है तो इसको अ की मात्रा में बदलने के लिए इसके ऊपर दबड़ लगा दीजिए और वाव जोड़ दीजिए, गौ हो जाएगा। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं, हो गया, जोड़ देना है बस। गैन का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, उठा लिए, और गैन के ऊपर ये जो ज़बर है वो तो है ही है, बस वाव जो है ना इसी गैन में ले जाकर जोड़ दीजिए तो ये हो गया गौ। और रे जो है ना चिपका दीजिए र, तो गौर। कितना आसान है, कितना आसान है। आई होप आप लोग माइंड में ऐसे ही सोचे होंगे कि गौर इसी तरह लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पौधा का सोचिए, ये कैसे लिखा जाएगा। पौधा में सबसे पहला अक्षर क्या है, पौ। तो पौ को उर्दू में पे कहते हैं, लिख दीजिए, पे से तो प हो गया। और पौ बनाने के लिए इस पे के ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ दीजिए तो ये हो गया पौ। और धा है, जिस तरह डी से द और डी एच से ध, उसी तरह उर्दू में दाल से द होता है, दाल से द, और इसी दाल में एच यानी कि ये वाला हे जो है ना ले जाकर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है ध। तो ये हो गया ध। और उसके बाद से यहाँ पर धा है ना, तो धा बनाने के लिए इसी ध में अलिफ जोड़ देंगे तो धा हो जाएगा, बस सिंपल। अब इन सब को जोड़ देना है, पे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, उठा लिए,
और पे के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस ये जो वाव है ले जाकर इसी पे में जोड़ देना है। तो पे के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर ये हो गया पौ। और जिस तरह ये ध लिखा है ना, उसी तरह यहाँ पर भी आप लोग लिख दीजिए। और ध में ये अलिफ जोड़ना है ना, तो इसी में ले जाकर अलिफ जोड़ दीजिए। तो ध में अलिफ जुड़कर धा, तो पौधा पौधा पौधा। कितना आसान है ये भी। आगे बढ़ते हैं, मौज। मौज लिखना तो और भी ज़्यादा आसान है। सोचिए, अपने माइंड में सोचिए कैसे लिखा जाएगा। मौ है, मौ को उर्दू में मीम कहते हैं, मीम से तो मौ हो गया। मौ बनाने के लिए ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, मौ हो जाएगा। उसके बाद से ज है, ज को उर्दू में जीम कहते हैं। अब सबको जोड़ देना है। मीम का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे, मीम के ऊपर ज़बर है, बस ये जो वाव है मीम में ले जाकर जोड़ दीजिए। तो मीम के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर ये हो गया मौ। और जिम जो लास्ट वाला है ना, बस ले जाकर चिपका देना है जिम से जा, तो मौ और जा मौज। लास्ट वाला बस ले जाकर चिपका देना रहता है। लास्ट वाला जो अक्षर होता है ना, वो पूरा का पूरा लिखा जाता है। देखिए, और में रे जो है पूरा का पूरा लिखा है, दौर में रे जो है लास्ट में र रे वो पूरा का पूरा, कौन में नून जो है पूरा का पूरा लिखा है, गौर में लास्ट में रे, मौज में भी लास्ट में जो जीम है वो पूरा का पूरा, बस लास्ट वाला लेकर चिपका दिया जाता है। ठीक है, तो मौज हो गया। उसके बाद है मौत। जिस तरह मौज लिखे उसी तरह मौत लिखा जाएगा, बस लास्ट में ये ता आ गया है। मीम से मौ हो गया, जबर लगाकर वाव जोड़ दिए, मौ हो जाएगा। उसके बाद से ता है, ता को उर्दू में ते कहते हैं। अब जोड़ दीजिए इन सबको। मीम का आधा भाग जिस तरह यहाँ पर उठाए थे उसी तरह उठा लेना है। और मीम के ऊपर तो ज़बर है, बस वाव जो है ना मीम में जोड़ दीजिए। और ते जो है ना, जिस तरह यहाँ पर जीम ले जाकर चिपकाए थे, अब यहाँ पर ते आ गया है, तो ते ले जाकर चिपका दीजिए। ऐसे हो गया मौ और ता, मौत, मौज, मौत। खौफ, खौफ यहाँ पर डबल होना चाहिए। खौफ कैसे लिखेंगे, तो खौ है। खौ को उर्दू में क्या कहते हैं, खौ को उर्दू में खे कहते हैं। और खौ बनाने के लिए ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, खौ हो जाएगा। और फ़ है, फ़ को उर्दू में फे कहते हैं। अब इन सब को जोड़ दीजिए। खे का आधा भाग आप लोग को उठा लेना है, खे का आधा भाग उठा लिया। और खे के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस वाव जो है ले जाकर इसी खे में चिपका दीजिए। तो खे के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर खौ हो गया। और ये जो फ है फे, इसी तरह जिस तरह यहाँ पर ते ले जाकर चिपकाए थे, उसी तरह फे पूरा का पूरा ले जाकर चिपका देना है। तो फे से फ, तो ख और फ, खौफ, खौफ, इस तरह लिखा जाता है। कितना आसान है, देखिए कितना आसानी से हम लोग लिखते चले आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चौकी। चौकी में सबसे पहला अक्षर है चौ। चौक उर्दू में क्या कहते हैं, चौक उर्दू में चे कहते हैं। लिख दीजिए, कितना आसान है। अब आप लोग को सभी चीज़ें आसान लगेंगी, क्योंकि आप लोग 70% सीख चुके हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैं आप लोग को सिखा चुकी हूँ, तो ये तो आप लोग के लिए एकदम हलवा लगेगा। जिस तरह हलवा खाने में आसान होता है ना, उसी तरह यहाँ पर भी जब चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी, तो हर एक चीज़ हलवा ही लगेगा, आसान ही लगेगा। तो चौकी में सबसे पहला अक्षर था चौ, चौ को लिख दिए। चौ चे से तो चौ हो गया, लेकिन चौ बनाने के लिए चे के ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिए, तो ये हो गया चौ। और की है, कौ उर्दू में काफ कहते हैं, लिख दिए। लेकिन काफ से तो कौ हुआ ना, यहाँ पर क्या है, की है। तो देखिए, की में कौन सी वाली ई की मात्रा है, तो यहाँ पर की में बड़ी वाली ई की मात्रा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर उसमें छोटी ए जोड़ देते हैं। तो वो अक्षर जो है ना, छोटी ए को ज़रा मैं अच्छे से लिख दूँ, उस अक्षर के नीचे जेर लगाकर छोटी ए जोड़ देते हैं, तो वो अक्षर बड़ी वाली ई की मात्रा में बदल जाता है। तो काफ के नीचे जेर लगाकर छोटी ए जोड़ दिए, तो ये की हो जाएगा, बड़ी वाली की। अब जोड़ दीजिए, चे का आधा भाग उठाना है ऐसे, उठा लिए। ज़रा फास्ट के चक्कर में मैं भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख दे रही हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, माइंड नहीं ले रहा है, समझ में आ जाना चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो चे हो गया। चे के ऊपर क्या है, ज़बर है, बस वाव ले जाकर चे में जोड़ दीजिए। तो चे के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर चौ हो गया। और काफ का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, काफ का आधा भाग उठा लिए। ज़रा फिर से शुरुआत से लिख दे रही हूँ, देखिए चे का आधा भाग यहाँ से उठाएंगे ना, तो ऐसे हो जाएगा। और चे के ऊपर क्या है, ज़बर, बस वाव ले जाकर चे में जोड़ दीजिए। तो चे के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर चौ हो गया। काफ का आधा भाग ऐसे उठाएंगे, और इसी काफ के आधे भाग में, काफ के नीचे तो जेर है, बस ये जो छोटी है ना, इसी काफ के आधे भाग में ले जाकर जोड़ दीजिए। तो काफ के नीचे जेर और छोटी है जुड़कर बड़ी वाली की, तो ये हो गया की, ये हो गया चौ, और ये हो गया की। तो चौ की, चौ की, चौ की। आगे बढ़ते हैं, फौजी। फौजी में जिस तरह चौकी लिखे उसी तरह फौजी लिखना है। फौ है सबसे पहला अक्षर, फ़ फ़ को उर्दू में फे कहते हैं। फे से तो फ हो गया, ज़रा मैं टेढ़ा लिख दी, ये हो गया फे से फ। ठीक है, और फे के ऊपर क्या है, अगला अक्षर है फौजी। सबसे अगला शब्द है फौजी। फौजी में सबसे पहला अक्षर फ, फ को उर्दू में अगला शब्द है,
अगला शब्द है फौजी। फौजी में सबसे पहला अक्षर है फौ। फौ को उर्दू में क्या कहते हैं? ठीक है, अगला शब्द है फौजी। फौजी में सबसे पहला अक्षर है फौ। फौ को उर्दू में क्या कहते हैं? फे कहते हैं। लिख दीजिए फे से, तो ये फ हो गया, और इसके ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दिए तो फ हो जाएगा। और जी है, ज को उर्दू में जिम कहते हैं। और देखिए जी में कौन सा वाला ई की मात्रा है? तो इस जी में भी बड़ी वाली ई की मात्रा है। तो इस जिम से तो ज हो जा रहा था, इसको बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए इसके नीचे भी क्या करेंगे? जेर लगाकर इसमें छोटी ई जोड़ देंगे, तो ये बड़ी वाली जी यानी कि ई की मात्रा में बदल जाएगी। तो देखिए अब इन सब को जोड़ देना है। फे का आधा भाग आप लोग को उठाना है ऐसे गोल वाला भाग, और फे के ऊपर तो जबर है, बस वाव ले जाकर इसी फे में जोड़ दीजिए। तो फे के ऊपर जबर और वाव जुड़कर ये हो गया फौ। और जिम का आधा भाग आप लोगों को उठा लेना है ऐसे, और जिम के नीचे क्या है? जेर है, बस छोटी ये ले जाकर इसमें इसी जिम में चिपका देना है आधे भाग में। तो जिम के नीचे जेर और छोटी ये जुड़कर जी, तो फौ जी, फौ जी, फौ जी, चौकी और फौजी, बात ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। अब इसको जरा हम लोग फास्ट करेंगे, क्योंकि इतना सारा हम लोग शब्दों को लिख चुके हैं तो आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे लिखा जाना चाहिए। और कहीं पर भी अब इस तरह का शब्द मिल जाए तो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं ना। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हम लोग दौर लिखे दाल के ऊपर जबर था और वाव जोड़ दिए दौ और रा, लेकिन अगर इस चीज़ को ना दिखाऊँ, सिर्फ इतना को दिखाऊँ, तो आप इसको दौर भी पढ़ सकते हैं और दूर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर ज़बर ज़ेर पेश वगैरह तो नहीं लिखा है। अगर एक जगह मैं लिख दूँ ऐसे तो आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे? इसको दोनों पढ़ सकते हैं, इस पर ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सिंपल आप लोगों को एक जगह ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप लोग इसको क्या पढ़ेंगे? दोनों पढ़ सकते हैं। दाल के ऊपर ज़बर रखकर और वाव जोड़ देंगे तो ये तो दौर पढ़ा ही जाएगा, लेकिन सोचिए दाल के ऊपर अगर पेश रख देते हैं, पेश मान लेते हैं, तो दाल के ऊपर पेश और वाव जुड़कर ये तो दू और र, दूर भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि जब ऊपर पेश लगाकर वाव जोड़ दिया जाता है तो वो अक्षर ओ की, ऊ की, बड़ा वाला ऊ की मात्रा में बदल जाता है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम इसको इसके ऊपर जबर मानकर, दाल के ऊपर जबर और वाव जोड़कर दौ और रे से र, दौर भी पढ़ सकते हैं, और इसके ऊपर पेश मानकर, दाल के ऊपर पेश और वाव जुड़कर दू, बड़ा वाला दू और र, दूर, इसको दूर भी पढ़ सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसको आप लोग दोनों पढ़ सकते हैं। तो अब आप लोग कहेंगे कब हम इसको दौर पढ़ेंगे और कब दूर पढ़ेंगे, तो मैं आप लोग को बार बार बताई हूँ कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर, कंडीशन पर। अगर दौर बोलने की सिचुएशन हो कि ये अभी का दौर है तो तब आप लोग दौर बोलेंगे, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे कि ये अभी की दूर है, अभी का दौर है। तो दौर बोलने की कंडीशन हो तो दौर बोलेंगे, और अगर दूर बोलने की कंडीशन है कि यहाँ से ताजमहल बहुत दूर है तो दूर, तब उस वक्त ये थोड़ा ना बोलेंगे कि यहाँ से ताजमहल बहुत दौर है, नहीं ना बोलेंगे। तो जब दौर बोलने की कंडीशन हो तो दौर, और जब दूर बोलने की सिचुएशन हो, कंडीशन हो, तो दूर ही बोलेंगे। तो ये दोनों पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए तो ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बौना, बौना कैसे लिखेंगे? बौ है सबसे पहला अक्षर। बौ को उर्दू में कहते हैं बे। इसको बौ बनाने के लिए ऊपर दबर लगाकर वाव जोड़ दिए, और ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, नून में अलिफ जोड़ दीजिए, हो जाएगा बौना। सबको जोड़ देना है। बे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और बे के ऊपर क्या है? ज़बर है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए इस बे में। तो बे के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर ये हो गया बौ। नून का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है और नून में अलिफ जोड़ देना है, तो नून में अलिफ जुड़कर ना, तो बौ और ना, बौना, कितना आसान। आगे बढ़ते हैं। चौड़ा, सबसे पहला अक्षर है चौ, तो चौ लिख दीजिए। चौ को उर्दू में चे कहते हैं, लिख दी मैं। और चौ बनाने के लिए इस चे के ऊपर दबर लगाकर वाव जोड़ दी, तो चौ हो जाएगा। और रा है, रा को उर्दू में क्या कहते हैं? मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, रा को उर्दू में रे कहते हैं, तो इस तरह रे लिख दीजिए, ठीक है। रे से तो रा हो गया, रा बनाने के लिए इस रे में अलिफ जोड़ देंगे तो रा हो गया, तो चौ और रा। अब इन सबको जोड़िए। चिम, ये जो चे है, चे का आधा भाग आप लोगों को ऐसे उठा लेना है। चे का आधा भाग उठा लिए, और चे के ऊपर जबर तो है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, तो ये हो गया चौ। और ये जो रे है, रे रे, इस रे में ये जो अलिफ जोड़े थे बस ले जाकर चिपका देना है आप लोगों को, तो ये हो गया चौ। और रे में अलिफ जोड़कर रा, तो चौ और रा, चौड़ा, चौड़ा, बौना और चौड़ा। आगे बढ़ते हैं। गौरी, गौरी में सबसे पहला अक्षर गौ। गौ को उर्दू में क्या कहते हैं? गाफ कहते हैं, लिख दीजिए, क्योंकि ये सिंपल वाला ग है। अगर नीचे बिंदु वाला ग रहता तो गैन से ग पढ़ते, लेकिन ये सिंपल वाला ग है तो इसको गाफ से ग, ठीक है। ग हो गया, गाफ से ग। गौ बनाने के लिए इसके ऊपर जबर लगाकर वाव जोड़ दीजिए, ग हो जाएगा री। गौ को उर्दू में रे कहते हैं, और री यानी कि बड़ी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए इस रे के नीचे जेर लगाकर छोटी ये जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़ देना है। गाफ का आधा भाग उठा लीजिए ऐसे,
और गाफ के ऊपर तो ज़बर है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए। तो गाफ के ऊपर ज़बर और वाव जोड़कर गौ, और रे जो जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए। रे के नीचे तो ज़ेर है, बस छोटी है ले जाकर इसी रे में चिपका दीजिए। तो रे के नीचे ज़ेर और छोटी है जुड़कर री, तो गौरी गौरी। आगे बढ़ते हैं चौथा। चौथा में सबसे पहला अक्षर चौ। चौ को उर्दू में चे कहते हैं। चे से चौ हो गया, ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ दीजिए तो चौ हो जाएगा। था है, था को उर्दू में क्या कहते हैं? जिस तरह टी से ट, टी एच से था, उसी तरह उर्दू में ते से ता, ते से त होता है। और इसी ते के आधे भाग को ऐसे मिटाकर इसमें एच यानी कि हे जोड़ देते हैं तो ये पढ़ा जाता है थ। तो ये हो गया थ, लेकिन थ बनाने के लिए इसी थ में अलिफ जोड़ दीजिए तो था हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देना है आप लोगों को। चे का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और चे के ऊपर तो ज़बर है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए। तो ये हो गया चौ, और जिस तरह ये थ लिखा है ना उसी तरह लिख दीजिए और इसमें अलिफ ले जाकर जोड़ दीजिए, था हो जाएगा। चौथा, चौथा इस तरह लिखा जाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा को कैसे उर्दू में लिखा जाता है ज़रा कमेंट में लिखकर बताइए, क्योंकि उसमें तो पहला में इसमें अ की मात्रा है और आ की मात्रा है, इसको आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा में बस ऊ की मात्रा है और आ की मात्रा है, इसको भी आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ऊ की मात्रा में आप लोग ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। पहला दूसरा तीसरा में तीसरा भी आप लोग लिख सकते हैं उर्दू में। तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों उर्दू में कैसे लिखा जाएगा आप लोग कमेंट में लिख कर बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौसा, मौसा कैसे लिखेंगे? देखिए, पहला अक्षर है मौ। मौ को उर्दू में कहते हैं मीम, और इसको मौ बनाने के लिए ऊपर दबर लगाकर वाव जोड़ दिए तो ये मौ हो गया। और सा है, सा को उर्दू में सीन कहते हैं, सीन में अलिफ जोड़ दीजिए ये तो सा हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देना है। मीम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और मीम के आधे भाग के ऊपर तो मतलब मीम के ऊपर तो ज़बर है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए। तो ये मीम के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर ये हो गया मौ। और सीन का आधा भाग ऐसे उठा लेना है, सीन के आधे भाग में ये जो अलिफ है जोड़ दीजिए तो सीन में अलिफ जुड़कर सा, तो ये हो गया मौ। और ये हो गया सा, मौसा, मौसा हो गया ना, मौसा। लेकिन आप लोग इसको मौसी भी लिख सकते हैं। अब मैं बोल दूँ कि ज़रा मौसी लिख कर दिखाइए तो आसान है नहीं, बस मीम के ऊपर तो ज़बर है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए तो ये हो गया मौ। और जो सीन में अलिफ जोड़कर ये सा बना रहे थे, अब सीन में ये जोड़ दीजिए तो सी हो जाएगा। मौ और सी, मौसी, तो मौसा मौसी, कितना आसान है। जिस तरह यहाँ पर फौजी लिख रहे थे, इसको फौज भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सौदा, सौदा में पहला अक्षर क्या है? सौ। सौ को उर्दू में सीन कहते हैं, सीन से सौ हो गया, ऊपर दबर लगाकर वाव जोड़ दिए तो सौ। और दा, दा को उर्दू में दाल कहते हैं, इसमें अलिफ जोड़ दीजिए दा हो जाएगा। सीन का आधा भाग आप लोग को ऐसे उठा लेना है, उठा लिए। सीन के ऊपर क्या है? ज़बर है, बस वाव ले जाकर जोड़ दीजिए तो सीन के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर सौ। और दाल जिस तरह लिखा हुआ है, दाल में अलिफ जोड़ दीजिए तो दाल में अलिफ जुड़कर दा, तो सौ दा, सौ दा, इसी तरह लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शौक, शौक में देखिए सबसे पहला अक्षर जो है ना वो तलाबे शौ है, तो इसके लिए हम लोग बड़ी वाली शीन का यूज़ करेंगे। ये हो गया शीन से शौ, लेकिन शौ बनाने के लिए इसके ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ दिए, शौ हो जाएगा। क, देखिए ये नॉर्मल वाला क नहीं है, नीचे बिंदु वाला क है, तो नीचे बिंदु वाले क को ये काफ कहते हैं। ठीक है, अब इन सब को जोड़ दीजिए। शीन का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, उठा लिए। और शीन के ऊपर ज़बर तो है, बस ये जो वाव है ले जाकर इसे शीन में जोड़ दीजिए, तो शीन के ऊपर ज़बर और वाव जुड़कर शौ। और जिस तरह ये जो काफ लिखा है ना उसी तरह यहाँ पर भी ले जाकर चिपका देना है, काफ से का शौक। देखिए शौक इस तरह लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। लौट, लौट में सबसे पहला अक्षर है लौ। लौ को उर्दू में क्या कहते हैं? लाम कहते हैं। लाम से लौ हो गया, ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ दिए लौ। और टॉ, टॉ उर्दू में टे कहते हैं। कितना आसान है ये। लाम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, और लाम के ऊपर तो ज़बर है, बस वाव जो है ना ये वाला वाव इसी लाम में ले जाकर जोड़ दीजिए तो ये हो गया लौ। और बस टे ले जाकर धीरे से चिपका देना है, लौट। आगे बढ़ते हैं। तौर, तौर भी तो लिखना आसान है ना। तो यहाँ पर जो तो है ना, ते से तो का यूज़ नहीं करेंगे, तो से त का यूज़ करेंगे। यहाँ पर तो से त होगा, और ते के इसी तो के ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा तो। तो से भी त होता है और ते से भी त होता है, लेकिन यहाँ पर तो से त का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो से त हो गया, और इसी तो के ऊपर ज़बर लगाकर वाव जोड़ दिए तो त हो गया। उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जिस तरह तो लिखा है ना उसी तरह लिख देना है। आप लोगों को लिखना आसान है तो जिस तरह आप लोग इंग्लिश में बी लिखते हैं ना, बस उसको थोड़ा सा ये जो गोल है ना इसको थोड़ा सा लंबा कर देना है इस तरह, तो इसको तो पढ़ा जाता है उर्दू में। चलिए देखते हैं, इसको जोड़ते हैं। ये हो गया तो, और तो के ऊपर तो ज़बर है, बस वाव जोड़ दीजिए तो के ऊपर ज़बर और वाव जोड़ कर ये हो गया तौ। और रे जो है ना बस चिपका देना है ले जाकर, तो तौ और र, तौर। ऐसा बोलना होता है ना कि जानकारी के तौर पर, तो तौर और पर कैसे लिखेंगे? पे से प होता है और इसी में रे जोड़ दीजिए तो प और र पर, तो तौर पर, जानकारी के तौर पर। आप लोग देखिए
अब आप लोग सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, एक कहानी के तौर पर लिखिए, क्योंकि अ आ छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ए ऐ ओ तक आप लोग सीख चुके हैं और सीख रहे हैं, तो सारा मात्रा वाला तो लगभग लगभग आप लोग सीख ही चुके हैं। तब आप लोग एक कहानी क्रिएट कर सकते हैं खुद से उर्दू में लिख कर। तो आप लोग खुद से लिख कर क्रिएट कीजिए जानकारी, ठीक है। लिखना हो तो कैसे लिखेंगे अपने से सोचिए माइंड में, जानकारी, पहरेदारी, घर, आसमान, ज़मीन, पौधा, ये सब लिखना है तो कैसे लिखेंगे उर्दू में। आप लोग खुद से लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग उर्दू को सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस मैटर्स मच, बहुत ज़्यादा मायने रखता है प्रैक्टिस। आगे बढ़ते हैं, दौड़। दौड़ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। दौड़ में सबसे पहला अक्षर है द। द को उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं। दाल से तो द हो गया, ऊपर जबर लगा कर वाव जोड़ दिए द, औड़ा है ड़ा को उर्दू में ड़े कहते हैं, अभी तो मैं आप लोग को यहाँ पर बताई। हाँ, तो दाल लिख दीजिए और दाल के ऊपर तो जबर है, बस वाव ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया द, और बस ड़े जो है ना इसको चिपका देना है, दौड़। कितना आसानी से हम लोग दो अक्षर से मिलकर बने इतने सारे अ मात्रा वाले उर्दू के शब्दों को लिखना और पढ़ना सीख गए। बस आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोगों का यही होमवर्क है कि अब आप लोग भी अपने कॉपी पर दो अक्षर से बने अ मात्रा वाले 10 हिंदी के शब्दों को इसी तरह लिखेंगे जैसे मैं पहले लिखी थी, और फिर आप लोग उसको उर्दू में लिखकर और पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट लाइक करें, शेयर कर दे दबा कर जितना ज़्यादा हो सके, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सभी लोग उर्दू को सीख सकें। और उसके बाद से अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो और ऑल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।